अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इसमें इस वॉइस एंड पिक्चर आर क्लियर गाइस। वेलकम टू द सेंटर ऑफ मेनन थेरेपी एंड एज यू ऑल नो दैट वी विल स्टार्ट टुडे, वी विल डिस्कस द चैप्टर 4, बायोमैकेनिक्स चैप्टर 4। दिस इज द बुक ऑफ सुजैन जे हॉल बुक एंड एज वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड मेनी चैप्टर्स ऑफ द बायोमैकेनिक्स, बट द चैप्टर 4 वॉज लेफ्ट, so we decided to complete this one. We have completed round about the 8 to 9 chapters of biomechanics except the fourth one, and hopefully today the fourth will be completed. Can you hear my voice and is picture clear of you? और जितने भी जो है वो व्यूअर्स हैं उनको काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो सीएमटी के ग्रुप में भी जो है वो शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने फेलोज हैं उनको भी बता दें ताकि जितने जल्दी वो आएंगे तो हम सेशन स्टार्ट करें। एंड दिस संडे इज़ बेसिकली सीएमटी हैज़ मेट स्पेशल फॉर द डीपीटी स्टूडेंट, दे आर बैक टू बैक 3 सेशंस एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू लाइव। यस डॉक्टर निदा, वालेकुम सलाम डॉक्टर निदा, काइंडली शेयर इन ऑल ग्रुप्स, ऑल व्हाट्सएप ग्रुप एंड right after me at 2 to 3 is Dr. Nida is going to be live from the same channel, and after the on physiology and kinesiology, after the Dr. Nida again I am coming to live for third year students, not for only third year student, but basically topic is the sciatica and its management. So in that I will show some videos also for a practical demonstration, because most of the students demand for it, and I will try my best to do some sort of the demonstration on the sciatica and its management. तो kindly जो है वो उनको शेयर करते हुए चलें, और वालेकुम सलाम, और kindly जितने भी व्यूअर्स हैं, हाँ जी बिल्कुल, उसने अपना अपना नाम जो है वो साथ साथ लिखते हुए जाना ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से जो है वो किस ईयर के जो है वो स्टूडेंट्स हो रहे हैं, लाइव हो रहे हैं, से हमारे लाइव अटेंड कर रहे हैं, और अगर उनका कोई भी क्वेश्चन हो तो एज यूजल आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। कीप इन माइंड सीएमटी जो है वो सब हर एवरी डीपीटी ईयर के लिए सेशन जो है वो लॉन्च कराती है, सीरीज लॉन्च करवाती है, एंड दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड लाइक सेकंड ईयर के लिए अभी बायोमैकेनिक्स जिस तरह चल रही है, फर्स्ट ईयर के लिए हमने काइनी और फिजियो को टारगेट किया, नेक्स्ट सेशन फिजियो के ऊपर डॉक्टर निदा देंगी, और थर्ड ईयर के लिए हमने थेरापेटिक सीरीज स्टार्ट की हुई है, और जिनके भी 4 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनल ईयर के लिए हमने कार्डियक जो है कार्डियोपल्मोनरी के कुछ टॉपिक्स किए थे फ्रॉम फिजिकल रिहेबिलिटेशन सुजैन सिल्वैन बुक। फोर्थ ईयर के लिए हम डिफरेंट एमएस के टॉपिक्स कवर करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम हर डीपीटी ईयर को कवर कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑन डिमांड एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन, और जो भी स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि सर इस पे सेशन देना है या इस पे सेशन रखना है तो हम रखवा देते हैं, ठीक है। वी विल वेट, अगर आपका कोई भी प्रीवियस सेशन में से भी क्वेश्चन हो, अच्छा जी आज की जो हमारी आउटलाइन है बेसिकली उस आउटलाइन में, अच्छा मेक श्योर माई वॉइस इज़ क्लियर टू, मेरा थोड़ा सा आज गला ख़राब है इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मेक श्योर माई वॉइस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंडली आज की जो हमारी आउटलाइन है उसमें हम ना कि सिर्फ बायोमैकेनिक्स का चैप्टर 4 करेंगे, इसके जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है वो तो हम नहीं करेंगे, मतलब थॉरली क्लियर देखेंगे, उसके बाद हम बायोमैकेनिक्स, ज़्यादातर लोग बायोमैकेनिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये फर्स्ट पेज पर आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आफ्टर द कंप्लीटिंग यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो जो ये क्वेश्चंस हैं इनको भी हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। और सेकंडली जितने भी जो व्यूअर्स हैं, जितने भी जो बायोमैकेनिक्स के जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो अक्सर बायोमैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, मिसाल के तौर पर राइट डाउन द बायोमैकेनिक्स ऑफ हिप जॉइंट, राइट डाउन द बायोमैकेनिक्स ऑफ दिस जॉइंट, नी जॉइंट वगैरह, किसी भी जॉइंट की अगर बायोमैकेनिक्स आती है तो अक्सर स्टूडेंट, हम भी अपने लेवल में ये अपने टाइम में, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, हम भी ये गलती करते थे, तो हमें ये नहीं पता होता कि लिखना क्या है बायोमैकेनिक्स में बेसिकली ना। तो बायोमैकेनिक्स में हम एनेटमी डाल रहे होते हैं, हम 70% उसमें एनेटमी डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट। तो मैं इस सेशन में आपको ये भी बताऊंगा कि बायोमैकेनिक्स क्या है बेसिकली, और बायोमैकेनिक्स का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इन द एंड हाउ टू राइट डाउन, हाउ टू आंसर द शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ टू आंसर द लॉन्ग क्वेश्चन। तो होपफुली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर I will try to complete within 40 minutes. The last 15 to 20 minutes, we will discuss how to answer the question coming exams. ठीक है? वालेकुम सलाम हसनैन,
तो बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड हम उसके क्वेश्चंस भी जो है वो क्लियर करेंगे, और ताकि हम उनको पेपर में किस तरह लिख सकें। वालेकुम सलाम आमिर, ये असनैन और आमिर जो है वो सखर के स्टूडेंट हैं, व्हेन आई वाज इन सखर एक्चुअली। तो इनको तो शायद वो फॉर्मेट पता हो बायोमैकेनिक्स का, अगर उनको याद हो, अगर असनैन पबजी से फ्री हुआ हो तो शायद उसको याद हो। तो मैंने उनको बायोमैकेनिक्स का एक फॉर्मेट बताया था, तो एक फॉर्मेट मैं आपको एट दी एंड बताऊंगा, एंड ऑफ द सेशन। वो फॉर्मेट आप कोई भी बायोमैकेनिक्स का पेपर देते हो, कोई भी बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन देते हो, अगर सवाल है कि बायोमैकेनिक्स ऑफ द दिस जॉइंट, राइट डाउन द बायोमैकेनिक्स ऑफ दिस जॉइंट, तो यू कैन आंसर ऑल दीज। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने, मैं वो चीज़ बताऊंगा कि वो फॉर्मेट क्या है, वो पैटर्न क्या है। ठीक है, जी सर याद है, चले जी, अच्छी बात है बेटा। और सुना है आप लोगों का रिजल्ट भी मेरे ख्याल से आ गया, पता नहीं आया है कि नहीं आया, तो बेस्ट विशेस, होपफुली कि रिजल्ट आप लोगों की पॉजिटिव आएगी। आप माशाल्लाह से सारे जो है वो पढ़ने वाले बच्चे थे, तो वालेकुम सलाम। ऑल मेम्बर्स आर डायरेक्टेड टू लाइक ए वीडियो, जी बिल्कुल। जो है वो थैंक्स फॉर डॉक्टर रिमाइंडिंग डॉक्टर निदा। हाँ एंड गाइज, जितने भी व्यूअर्स हैं वो साथ साथ आप वीडियो को जो है वो लाइक भी करते हुए जाएं। और दूसरा, अगर आप लोगों को सेशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपको लगता है कि सी एम टी इज़ वर्किंग बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ द फिजियो फील्ड, देन काइंडली यू कैन रिकमेंड एंड सजेस्ट एंड यू कैन पास योर सजेशंस ऑन आवर ऑफिशियल सी एम टी पेज, सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी पेज से। हमारा चैनल भी है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि रिसेंटली हमारी वेबसाइट भी सेंटर ऑफ मेंटल थेरेपी के नाम से लॉन्च होने जा रही है। और एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है बेसिकली, एक प्रोजेक्ट आ रहा है सी एम टी के प्लेटफॉर्म से बेसिकली, उसकी अनाउंसमेंट भी मैं साथ साथ करता हुआ जाऊँगा उस ये। लेकिन ये प्रोजेक्ट फ़िलहाल सिर्फ कराची वालों के लिए, उसका रीज़न ये है कि मैं कराची में हूँ, तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली कराची वालों के लिए है कि अगर पैंडेमिक सिचुएशन में डेफिनेटली हम वैसे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारा सिंध आने का, मेरा और डॉक्टर निंदा का व्हेन वी वर इन लाहौर, हमारा सिंध आने का मकसद भी यही था कि हम अपने फील्ड को जो है वो सर्व करें, तो फील्ड को भी सर्व करें। लेकिन एकदम से ही हमारे आते ही उसके बाद फिर सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगे और फिर उसके बाद ये हालात हो गए। लेकिन अभी रिसेंटली हमारा एक सी एम टी के प्लेटफॉर्म से जो है वो लॉन्च हो रहा है विथ बिग एसोसिएशन, फिजियोथेरेपी के कुछ एसोसिएशन है, उनके साथ साथ मिलके हम जो है वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, एंड दैट प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली फॉर द कराची राइट नाउ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके, आहिस्ता आहिस्ता करके हम इंशाल्लाह सिंध के जो हैदराबाद और बाकी एरियाज हैं उनमें भी उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ दैट प्रोजेक्ट बेसिकली, हम एक प्रैक्टिकल सेशंस टाइप या वेबिनार्स टाइप जो है वो रखवाएंगे, और उसमें हम पैंडेमिक सिचुएशन है तो डेफिनेटली स्मॉल ग्रुप्स करके हम जो है वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको अगले हफ्ते मिल जाएगी, हमारा इस थर्सडे सीपी का वेबिनार भी है, उसके बाद आपको पूरी अपडेट इसकी मिल जाएगी। अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन, जबकि हम मोबिलाइज कर रहे होते हैं तो फर्स्ट स्ट्रोक क्या होता है? ये क्वेश्चन कुछ सुना सुना सा लग रहा है, आई थिंक समवन हैज दिस क्वेश्चन ऑलरेडी विथ मी। जब हम मोबिलाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टॉप से मुराद कि जब हम ग्लाइड दे रहे होते हैं ना, जब हम ग्लाइडिंग कर रहे होते हैं, तो कोई भी आप मोबिलाइजेशन करो, कैल्टन बॉन्ड की हो या वॉट एवर, वैसे ये कॉन्सेप्ट कैल्टन बॉन्ड का है, फर्स्ट स्टॉप, लास्ट स्टॉप, सेकंड स्टॉप, ये कॉन्सेप्ट कैल्टन बॉन्ड का है बेसिकली। तो हमारे पास बॉडी में कैल्टन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट के एक मेरी वीडियो बनी हुई, काइंडली डॉक्टर स्टडी जो जिन्होंने सवाल पूछा है, तो आप काइंडली मेरी एक वीडियो बनी हुई है कैल्टन बॉन्ड की, कैल्टन बॉन्ड कॉन्सेप्ट, वो पूरा 1 घंटे का सेशन है, और वो कैल्टन बॉन्ड के फर्स्ट चैप्टर को मैंने उसमें कवर किया हुआ, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें देख लें। मैं आपको आंसर इधर करता हूँ, लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कैल्टन बॉन्ड कॉन्सेप्ट क्या था। कैल्टन बॉन्ड ने बॉडी में डिफरेंट पोजिशन दी थी, उससे पहले हमें जो पोजिशन पता थी ना, सिर्फ हमें रेस्टिंग पोजिशन, नॉन रेस्टिंग पोजिशन, क्लोज पेक, ओपन पेक पता थी, लेकिन कैल्टन बॉन्ड ने बेसिकली उनको 5 पोजिशंस में डिवाइड किया था। ठीक है, फर्स्टली वी पोजिशन द पेशेंट, देन थेरेपिस्ट, एंड ट्रैक्शन ऑफ द जॉइंट क्रिएट स्पेस, देन मोबिलाइज। जी बिल्कुल,
मैं ये थैंक्स फॉर आंसरिंग रेस्पॉन्डिंग डॉक्टर नंदा, लेकिन मैं ये जनरल बता रहा था कि कैल्टन बॉर्न ने उनको पांच पोजीशन में डिवाइड किया है, रेस्टिंग, नॉन रेस्टिंग, एक्चुअल रेस्टिंग और क्लोज पैक पोजीशन, ओपन पैक पोजीशन। तो ये एक पोजीशन का टॉपिक है कि जब हम उसको मोबिलाइज करते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन पेशेंट की बनाते हैं, उसके बाद थेरेपिस्ट की बनाते हैं, तो एक बीच में एक किस्म का जब हम ट्रैक्शन देते हैं तो स्पेस क्रिएट करके फिर हम मोबिलाइज जब करते हैं ना, तो वो जो पॉज होता है बेसिकली दैट पॉज इज द फर्स्ट स्टॉप। ठीक है, जब भी हम किसी जॉइंट को मोबिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली उसको ओपन पैक पोजीशन में लेके जाएंगे, वॉट एवर द पोजीशन। क्लोज पैक में हम अमूमन कम मोबिलाइज करते हैं, जब हम उसको ओपन पैक पोजीशन में लेके जब मोबिलाइज करते हैं तो एक प्रॉपर पोजीशन बनाते हैं, एंड दैट पॉज इज बेसिकली है कहने की फर्स्ट स्टॉप। तो वो एक टर्मिनल टाइप है ना, जिस तरह बस वगैरह स्टॉप स्टॉप करती हुई जाती है, तो दैट फर्स्ट स्टॉप इज बेसिकली अ प्रिपरेशन। जिस तरह सिग्नल में प्रिपरेशन लाइट आती है ना, उस तरह करके ये जो फर्स्ट स्टॉप इज बेसिकली अ प्रिपरेशन स्टॉप फॉर मूविंग टूवर्ड द मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो ये जस्ट इसमें ट्रांसफर। वेल, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन, बिकॉज टूडे वी हैव अ 3 बैक टू बैक सेशन एंड आई डोंट वॉन्ट वेस्ट टाइम, सो आई हैव टू कम्प्लीट दिस विद इन 40 मिनट्स। ठीक है, दिस बुक इज बेसिकली सूजन जे हॉल बुक एंड द 6th एडिशन एंड बायोमेकनिक्स चैप्टर 4, द बायोमेकनिक्स ऑफ ह्यूमन बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर मैं आपको लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप क्वेश्चन जो है रिपीट करा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द कम्प्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, इनको हम आंसर बाद में करेंगे। ठीक है, मतलब ये चैप्टर कम्प्लीट करने के बाद आपको इन आंसर्स करने की, मतलब इन आंसर्स को करने का कॉन्सेप्ट बेसिकली आ जाएगा। मैं अक्सर अपने लेक्चर में कहता हूँ कि अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप आंसर उसको किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। ठीक है, आप उसको आसान अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इफ़ यू हैव अ क्लियर द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द टॉपिक। अब यहाँ पे एक टॉपिक है लीवर। लीवर के ऊपर मेरी अलग से तीन चार वीडियोज़ बनी हुई है, जिसमें क्लासेस ऑर्डर ऑफ लीवर बनी हुई, तो मुझे उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हमने चैप्टर कंप्लीट करना है, थोड़ा थोड़ा सा मैं बताता चलता हूँ। लीवर क्या होता है? लीवर कोई भी रिजिड बार लाइक रॉड, कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें तीन चीज़ें आती है। एक चीज़ है जिसमें तीन चीज़ें जब भी मिलेंगी तो वो हमेशा लीवर कहलाएंगी, और वो तीन चीज़ें कौन सी होंगी? तो लाजमी नहीं है कि वो हमेशा रिजिड बार हो, वो रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर हो, क्योंकि हार्ड इसीलिए क्योंकि उसमें वेट कैरी करना है बेसिकली। तो तीन चीज़ें अगर किसी भी सिस्टम में आ जाती हैं तो वो लीवर, इसीलिए लीवर सिस्टम भी एक होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? सबसे पहले वो होती है कि जिस पॉइंट के अराउंड वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो रोटेट करती है, जिसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई रिपीट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको फलक्रम कहा जाता है, वो पॉइंट जिसके अराउंड जो है जो वो स्ट्रक्चर है वो रोटेट करती हो, जिस पॉइंट के अराउंड, तो वो कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, वो चीज़ जो फोर्स कॉज करती है, मिसाल के तौर पे जो हम बचपन में सीसा जो बैलेंस वाला खेलते थे ना, झूले टाइप, एक तरफ दो बंदे बैठते थे, एक अपोजिट में, बीच में जो है वो एक पॉइंट के अराउंड जो वो लकड़ी की या किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर जो रोटे ऊपर नीचे होती रहती थी, जिस तरफ का वज़न ज़्यादा होता था वो ऊपर हो जाती थी, फिर वो वज़न कम करता तो दूसरी तरफ चली जाती, सी सा जिसको बेसिकली कहते हैं। दिस इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट क्लॉज लीवर। मैं अगेन क्लासेस पे नहीं जा रहा, जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो वो हमेशा लीवर कहलाती है। तो पहली पॉइंट क्या थी? पहली जो स्ट्रक्चर थी वो थी एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी किसी चीज़ के अराउंड कोई चीज़ रोटेट करती है तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है, या उसको हम आम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फलक्रम कहते हैं। उसके बाद वो चीज़ जो उस रॉड को मूव कराती है, फोर्स कॉज करती है, फोर्स जनरेट करती है, जिसको हम कहते हैं इफर्ट आर्म। और इन केस ऑफ बॉडी द जॉइंट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द मसल्स काजिंग द मूवमेंट, द मसल्स जो फोर्स लगाते हैं, द मसल्स एग्जर्टिंग द फोर्स, दे आर द इफर्ट डिनोटेड विथ ई। एंड फाइनली द लोड मे बी द एक्सटर्नल, लाइक इफ़ यू कैरी एक्सटर्नल बैग या एक्सटर्नल डम्बेल शैप वगैरह, अगर आप वेट कैरी करते हो तो वो आपका लोड है, अगर नहीं तो जो बोन का वेट जिस जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है वो कहलाएगी आपकी वेट। ठीक है, तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स इन अ सिंगल लीवर सिस्टम, द फल्क्रम अराउंड विच अ मूवमेंट अकर्स, द इफर्ट आर्म विच काजेज द मूवमेंट, एंड द लोड विच अपोजेज द मूवमेंट, जो कि रेजिस्टेंस देता है बेसिकली। ठीक है, तो इसकी स्टेजेस में नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा टाइप्स ऑफ लीवर, हमने टाइम को भी देखना है, टाइप्स ऑफ लीवर के ऊपर मेरे अच्छे से वीडियो बनी हुई। ठीक है,
अब हम आते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बोन टिश्यू। तो हमें भी पता है बोन बॉडी में दो किस्म के टिश्यू होते हैं, एक है सॉफ्ट टिश्यू, दूसरा है हार्ड टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू में लिगामेंट्स, बर्सा, ये सारी चीज़ें आ गई। हार्ड टिश्यू में वन एंड ओनली बोन। तो बोन जो है वो हार्ड टिश्यू है हमारे पास, ठीक है। अब कौन सी चीज़ें उनको बोन को हार्ड बनाती हैं, स्टिफ बनाती हैं, उनको हम देखेंगे। तो बोन के जो मटेरियल कंस्टिट्यूंट्स हैं, तो मेजर उनमें से कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, जो कि 70% सर सेकंड लीवर एंड थर्ड लीवर थोड़ा बता दें जी। बिल्कुल मैं इसको ये काइंडली जिन्होंने सवाल पूछा हिबा कुरैशी, ये मुझे लास्ट में ज़रूर रिमाइंड कराइएगा, क्योंकि मैंने चैप्टर को भी जो है वो कम्प्लीट करना है। लेकिन मैं तीनों लीवर का लिंक भी शेयर करूंगा और आपको बॉडी में एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है जी। बिल्कुल मैं क्लियर कर लूंगा, ये बस आपने मुझे लास्ट में रिमाइंड कराना है, ठीक है। मटेरियल कंस्टिट्यूंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? मटेरियल कंस्टिट्यूंट जो बोन को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं, उसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है। ये 70% बॉडी का बनाते हैं, कौन? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट मिलके 70%, और यही बोन को स्टिफ बनाते हैं। एंड व्हाई द बोन इज स्टिफ, ये भी एक सवाल है कि बोन स्टिफ क्यों है? इन ऑर्डर टू रिजिस्ट द डिफरेंट लोड। जितने भी बोन आपने देखा होगा, बोन जो है वो डिफरेंट लोड को फेस करती है। मिसाल के तौर पे जब आपको चोट लगती है, तो अगर आपकी बोन वीक है तो दे आर प्रोन टू ब्रेक। लेकिन अगर वो हार्ड है, एक्सरसाइज वगैरह है, मिसाल के तौर पे बोन अच्छे उसमें एक प्रॉपर वो ज़्यादा पोरस नहीं है, जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस वो एबनॉर्मल, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो बोन जो स्टिफ होती है, बेसिकली द स्टिफनेस जो है वो उसको स्टिफ बनाने का रीज़न भी यही है, ताकि वो मुख्तलिफ लोड को फेस कर सके, ठीक है। और स्टिफनेस कौन देते हैं? यही देते हैं बोन को, जो कि ड्राई पार्ट जो है बोन का करते हैं, कौन? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब वो कुवत, वो ताकत, अगर मैं आम लैंग्वेज में इसको डिफाइन करूँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वर्ड को ब्रेक करो, वो स्ट्रेंथ किसी भी स्ट्रक्चर की जो कि जब उसके ऊपर कंप्रेशन आती है तो वो उसको रिजिस्ट करे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ द डेफिनेशन बाय द बुक, एबिलिटी टू रिजिस्ट द स्क्वीजिंग फोर्स, मतलब जब भी हम किसी चीज़ को स्क्वीज करते हैं और वो उसको रिजिस्ट करता है, तो वो उसकी एबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे की अगर बोन है, उसको अगर आप ज़्यादा कंप्रेस करोगे या किसी हैवी चीज़ से अगर उसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे, तो वो ईजिली टूट जाएगी। लेकिन उसकी जगह एक आप किसी बॉडी बिल्डर की बोन पे वही फोर्स अप्लाई करें, तो देयर वुड बी नो चांसेस ऑफ द ट्रामा और फ्रैक्चर। दिस कैन से द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ एडल्ट बोन ऑफ अ बॉडी बिल्डर बोन इज हायर रादर देन अ चाइल्ड, ठीक है। और ये भी मैं चीज़ बताता चलूँ कि जो बोन की ग्रोथ होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कमफरेंशियल, वो भी इस चीज़ पर डिपेंड करती है। आप बोन के ऊपर जितना वेट दोगे वो उतनी ग्रो करेगी। एक बॉडी बिल्डर की आप बोन की जब सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ देखोगे तो वो ज़्यादा वाइड होगी, ज़्यादा चौड़ी होगी। लेकिन उसकी तरह अगर आप किसी जो एक्सरसाइज ना करता हो, उसकी बोन जो है वो छोटी होती है या वीक होती है। मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि अगर फीमेल है, मिसाल के तौर पे जो गर्ल्स, जितनी भी फीमेल वुमन हैं, खवातीन हैं, वो डेफिनेटली कम एक्सरसाइजेज वगैरह करती हैं, जो हैवी वेट लिफ्टिंग टाइप वगैरह कम करती हैं, तो देयर बोन्स आर मोर वीकर रादर देन मेल, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वुमन में होता है, जस्ट बिकॉज दे डोंट डू सम सॉर्ट ऑफ द लिफ्टिंग टाइप एक्टिविटी, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस यूजुअली डोंट डू। एथलीट्स वुमन दे डू, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल जो घरों में जो खवातीन या स्पेशली जो एशियन कंट्रीज में, जहाँ पे एक्सरसाइज का इतना ट्रेंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ वो एबिलिटी किसी बोन की जो किसी पुल या स्ट्रेचिंग फोर्स को रेजिस्ट करे। मिसाल के तौर पे जब हम किसी मसल को पुल करते हैं, मसल जैसे ही पुल होगा, मसल इज इंसर्टेड ओवर द बोन, तो बोन भी डेफिनेटली पुल होगी। तो बोन डायरेक्टली इस तरह पुल नहीं होती, थोड़ी सी उसमें इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट करती है। जिस तरह मसल्स में जो टोन होती है, पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, हर मसल में जब वो रेस्ट में भी होता है तो उसमें वो स्टेट होती होती है, उसी तरह टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिला के जो है वो बोन को बनाती हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल बेसिक एनेटमी है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। आगे चल के जो जहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक होगा, थ्योरी इतनी नहीं होगी, मैं वहाँ पे आपको स्लोली मूव ऑन करूँगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बोन को कॉर्टिकल और स्पंजी बोन या ट्रबिकुलर बोन में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक वर्ड है पोरस। पोरस मतलब
हर बोन में पोर्स होते हैं. वाई दे केरी द पोर्स नॉट एबनॉर्मल जस्ट लाइक द ऑस्टियोपोरोसिस. इफ द पोरस रेशियो इंक्रीजेस ग्रेटर देन 90 देन इट बिकम्स द एबनॉर्मल. लेकिन अब हम नॉर्मल पोरस की बात करते हैं. वाई दे के बोन केरी द पोर जस्ट बिकॉज टू एक्यूमुलेट समथिंग. एंड वॉट द एक्यूमुलेट बोन द कैल्शियम वाइटामिन डी द इनग्रेड डिफरेंट इन्ग्रीडियंट जो भी अभी अभी हमने देखा. तो बोन पोरस तभी होगी, बोन नॉर्मली पोरस होती है. पोरस मतलब दे कंटेन द पोर, लेकिन वो एक रेशियो नॉर्मल होना चाहिए. जब वो रेशियो ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसी पोरस की रेशियो के बिहाफ पे ही बोन को कॉर्टिकल और इसमें डिवाइड किया गया. नाउ द हाउ दे आर हाउ द बोन आर डिवाइडेड. द बोन टिश्यू हैज़ बिन क्लासीफाइड इन टू द टू कैटेगरीज. इफ द पोरसिटी इज लो, अगर वो बोन की टाइप कॉर्टिकल बोन, मैं बताऊंगा कॉर्टिकल बोन जिसकी जो बोन की पोरसिटी है वो लो है, कितनी है, 5 से 30% है. मतलब ये जो 5 से 30% है बोन का हिस्सा, दिस इज ऑक्यूपाइड बाय द नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू. नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू जितने भी होते हैं उनसे ये चीज ऑक्यूपाइड है, इसीलिए इसको कॉर्टिकल बोन कहा गया. लेकिन वो बोन टिश्यू जिसमें ये जो हाई पोरसिटी है, rather as compared to the cortical, they are called as a spongia trabecular. Means दो bones, जो bone है bone को divide किया गया cortical और spongia trabecular में. तो cortical वो होती है जिसमें pores तो दोनों में होते हैं, लेकिन cortical bone में porosity low होती है. कितनी होती है, 5 से 30%. मतलब 5 से 30% तक जो cortical bone का area है is occupied by the non-mineralized टिश्यू, नॉन मिनरलाइज, ठीक है, नॉट मिनरलाइज. लेकिन जो स्पंजी बोन है उसमें ये जो पोरसिटी है वो हाई होती है. मीन्स ग्रेटर देन 90% इज ऑक्यूपाइड बाय द नॉन मिनरलाइज, और उनको हम क्या कहेंगे, स्पंजी बोन. इनकी बराबर में डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं इसीलिए इसका इतना डीप में नहीं जा रहा. अगर आप पेन से देखें, ठीक है, दीज आर द ट्रबिकुलर बोन, ठीक है, ये एपिफाइजल प्लेट है, ठीक है, ये आप लोगों को सारा यहाँ पे. अब आप देखें ये जो ट्रबिकुलर बोन है यहाँ पे, ये कॉर्टिकल बोन है, ये सारी यहाँ पे चीज़ें मेंशन है, ठीक है. द ट्रबिकुलर बोन जो स्पंजी बोन है इनकी अगर आप पोरसिटी देखो तो हाई है, ठीक है, और उसी तरह कॉर्टिकल बोन को देखो तो दिस इज मोर वाइट, मीन्स दे आर लेस पोरस, ठीक है, एज यू ऑल कैन सी. ट्रबिकुलर बोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो सेल्स बने होते हैं हॉरिजॉन्टल बार, जिसको ट्रबिकुलाई कहा जाता है, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये जब हम बोन को एक ट्रांजेक्शन पार्ट उसका निकालते हैं तो ये कॉर्टिकल बोन है. अब आप कॉर्टिकल बोन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कॉर्टिकल बोन आपको ये जो एंड सरफेसेस पे आपको दिखेगी, यहाँ पे ये आप अगर देखेंगे तो ये कम पोरस है, इसमें पोर्स जो है वो कम है. लेकिन उसकी जगह पर ये आप ट्रबिकुलर बोन देखें तो इसमें पोर्स ज़्यादा हैं, ठीक है. ये बोन का ट्रांजेक्शन पार्ट है, किसी बोन को बिल्कुल बीचों बीच काटा गया है, क्लियर है. उसके बाद एक बोन की प्रॉपर्टी होती है एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी. व्हाट इज द एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक ये होती है कि हमें पता है कि एक बोन पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करते हैं. तो हर बोन हर फोर्स को डिफरेंट एक्शन के साथ रिस्पॉन्ड करता है. मिसाल के तौर पे अगर बोन्स को लॉन्गिट्यूडनली कोई फोर्स एक्ट करता है, जिस तरह से जाइटल प्लेन में अगर आ जाता है, या एक्सियल फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है, या लॉन्गिट्यूडनल है, या शीयर फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है, तो हर बोन क्यों, वाई द बोन एक डिफरेंट विद द डिफरेंट रीजन, बिकॉज बोन की जो कंपोजिशन है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बोन की कंपोजिशन ही डिफरेंट है. एक जगह से बोन जो है ज़्यादा पोरस है तो वो वीक होगी, एक जगह से बोन जो है वो कम पोरस है तो वो ज़्यादा इतनी वीक नहीं होगी, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी, ठीक है. तो अगर कम जो जहाँ पे ज़्यादा बोन वीक है वहाँ पे अगर कोई फोर्स लगता है तो डेफिनेटली वहाँ से वहाँ का रेस्पॉन्ड अलग होगा, और जहाँ पे वीक नहीं है वहाँ का रेस्पॉन्ड अलग होगा. इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एनिसोट्रॉपिक. साइड में ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है. एंड व्हाट इज द एनिसोट्रॉपिक, बेसिकली एनिसोट्रॉपिक इज एग्जिबिटिंग द डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन रेस्पॉन्ड टू द लोड फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन. जब एक बोन के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लगता है तो वो एक्ट भी डिफरेंट तरीके से करता है. मिसाल के तौर पे एक बोन जो है वो डिफरेंट कंस्टिट्यूट से बनी हुई है, जिस तरह मैंने अभी भी बताया हाई पोरस है लो पोरस है, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एनिसोट्रॉपिक. उसके बाद टाइप्स ऑफ बोन है, अब इसके डीप में बिल्कुल नहीं जा रहा, ये बिल्कुल एनाटॉमी है, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको स्केलेटल के ऊपर बता देता हूँ. टाइप्स ऑफ बोन में हमारे पास एक्सियल स्केलेटल है, एक्सियल बोन है, 80/120 का जो रेशियो है.
एक्सियल बोन मतलब वो बोन जो कि मिड लाइन से आती हो या मिड लाइन से निकलती हो, जिसमें स्कल आ गया, वर्टिब्रा आ गई, रिब्स आ गई, स्टर्नम आ गई, ठीक है सर। बॉडी में एनिसोट्रॉपिक की एग्जांपल, एनिसोट्रॉपिक बोन की प्रॉपर्टी है बेटा। एनिसोट्रॉपिक क्या प्रॉपर्टी है बोन की? बोन की वो प्रॉपर्टी है जब, अब मैं मिसाल दूं, बोन को एक ही बोन के ऊपर जब डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो रेस्पॉन्ड डिफरेंट करता है। एक मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा, अगर एक बोन जो है, एक बोन को आप लॉन्गिट्यूडनली लगातार अगर कंप्रेस करोगे तो उसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ नहीं होगी। तो अब उसने ग्रोथ तो करनी है, तो वो क्या करेगी, वो सर्कमफरेंशियल ग्रोथ करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि कुछ लोगों की हाइट छोटी होती है, कुछ लोगों की हाइट लंबी होती है। हालांकि ये एक्सटर्नल नहीं है, कुछ कंजेनाइटल भी, जिस तरह डाफिज्म और जिगांटिज्म होता है, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। एक बोन है मिसाल के तौर पे, जब अक्सर कहते हैं ना जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं वो स्ट्रेचिंग करें तो उनकी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली 17 से 18 साल या उससे ऊपर तक बोन ग्रोथ करती रहती है। तो कहने से मुराद, अगर एक बोन को आप ऊपर और नीचे बिल्कुल उसके रीजन से उसको ग्रो करने का मौका ना दो, उसको बिल्कुल प्लेस कर दो, तो वो कभी सर लॉन्गिट्यूडनली ग्रोथ नहीं करेगी। तो अब उसने ग्रोथ तो करनी है, तो वो सर्कमफरेंशियल ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक लोड को डिफरेंट एंगल से रिस्पॉन्ड किया। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, एक बोन है जिसका जो एंड है, मिसाल के तौर पर क्लेविकल है, क्लेविकल का जो मिड शाफ्ट है ना, दिस इज ऑलवेज मोर प्रोन टू द फ्रैक्चर। रीजन वाई, वो जो क्लेविकल है, कॉलर बोन है, उसका मिड शाफ्ट जो बिल्कुल बीचों बीच 2/3 और 1/3 का जो जंक्शन है, वो हमेशा जब हम फॉल ऑन आउट स्ट्रेच पोजिशन में गिरते हैं तो वो हमेशा फ्रैक्चर होता है। रीजन वाई, क्योंकि वो वहाँ से वीक है। हालांकि उसी क्लेविकल को आप लेटरली मीडियली हिट करो तो शायद इतना फ्रैक्चर ना हो। तो इट मीन्स बोन एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट रीजन से डिफरेंट फोर्स को डिफरेंट किस्म के, अब इसी क्लेविकल के ऊपर जब आप किसी बड़ी हाइट से जब जंप मारते हैं मिसाल के तौर पे, तो जो स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट है उसके ऊपर वेट पड़ता है, ठीक है, ये मिडिल 2/3 ऑफ क्लेविकल, बिकॉज इट इज़ ए वीक पॉइंट। जी बिल्कुल, तो आप वही देखो ना, क्लेविकल एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट फोर्सेस को डिफरेंट रेस्पॉन्ड कर रही, एंड दिस प्रॉपर्टी इज एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव अ टाइप्स ऑफ बोन। तो एक्सियल बोन, एक्सियल बोन वो बोन जो बिल्कुल मिड लाइन में आती हो या मिड लाइन से निकलती हो। अब मिड लाइन में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, हमारे पास स्कल है, स्कल की जितनी भी बोन्स हैं, उसके बाद वर्टिब्रा है, 33-26 बोन्स हैं आफ्टर फ्यूजन, उसके बाद रिब्स भी यहाँ से निकलती है, स्टर्नम है, स्टर्नम के 3 पार्ट हैं, बहरहाल हम उस पर नहीं जा रहे, ठीक है। इस मिड लाइन के अलावा जितनी भी बोन्स हैं वो अपेंडिकुलर कहलाती हैं, जिसमें आपके अपेंडिजेस, बाजुओं की, टांगों की बोन्स आ गई, ठीक है। तो वॉट एवर द रेशियो, जो इसका रेशियो है 80 और 128 होती है, टोटल 208 होती है, बहरहाल हम उस पर इतना डीप में नहीं जा रहे। उसके बाद शॉर्ट बोन्स हैं, बिल्कुल छोटी बोन, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल दे वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्प्शन बेसिकली, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल कार्पल बोन्स हैं, हमारे पास टार्सल बोन्स हैं। उसके बाद फ्लैट बोन्स हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास स्केपुला है। इरेगुलर बोन्स हैं, ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है सक्रम है, ठीक है, सक्रम है, इनोनिमेट बोन है। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग बोन है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमरस है, फीमर है। और फाइनली आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलेट मतलब किसी चीज़ से मिलना। तो आर्टिकुलेट कार्टिलेज वो कार्टिलेज जो किसी चीज़, दो चीज़ को आपस में आर्टिकुलेट करता है बेसिकली। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज, कार्टिलेज के फिर बहुत सारे टाइप्स हैं, हायलिन, फाइब्रोटिक, हम डीप में इतना नहीं जा रहे। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज मैं सिर्फ वर्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं ना, बेसिकली दे आर कनेक्टेड, देयर जॉइंट सर्फेसिस आर कनेक्टेड विद द बर्सा, विद द कार्टिलेज, विद द लिगामेंट्स एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर, दीज आर द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर बेसिकली। हर जॉइंट में दो किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक होती है कॉन्ट्रैक्टाइल, एक होती है नॉन इनर्ट स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रैक्टाइल में मसल्स आ गए, इनर्ट में ये चीजें आ गई, ठीक है। ये बोन्स की एग्जांपल है। अब हम आ जाते हैं बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, एक बोन की ग्रोथ नाम ही बताता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी है सर्कमफेरेंशियल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लेंथ में इंक्रीज हो, सीधी बात है, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लॉन्ग में एपिफाइसिस लेवल पे हो, ठीक है। और सर्कमफेरेंशियल जो, मिसाल के तौर पे एक लंबा बंदा है, आप मिसाल के तौर पे एक छोटा सा है लेकिन वो मोटा है, तो जो उसकी मोटाई है बेसिकली, दिस इज द सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ, जो एरिया में इंक्रीज हो ना कि लेंथ में। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो, वो जो लंबाई है उसकी,
वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है, ठीक है। तो थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आफ्टर दैट वी हैव अ सर्कमफरेंशियल ग्रोथ। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक चीज़ अगर आप जो है वो मुसलसल किसी बोन के ऊपर, जब तक किसी बोन के ऊपर आप वेट नहीं देते ना, वो कभी एक तो नॉर्मली बोन वेट ग्रो करती रहती है, ठीक है। मैंने बताया था 18 से 20 साल तक जो है बोन नॉर्मली ग्रो करती रहती है, 17 साल तक कर्व्स जनरेट होते रहते हैं, जिस तरह जो सेकेंडरी कर्व्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व्स हैं, सेकेंडरी कर्व टिल 17 ईयर्स भी जनरेट हो सकते हैं, डिपेंड करता है उस बंदे की एक्टिविटीज़ क्या है। लाइक जो शुरू से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है उनकी बोन तगड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, ठीक है। तभी कहा जाता है कि कैल्शियम और वाइटामिन का जो रेशियो है वो भी बोन की डेवलपमेंट पे बड़ा मैटर करता है। आप मुसलसल कैल्शियम और वाइटामिन लेते जाएं लेकिन आप कोई एक्टिविटी ना करें तो वो कभी एक्यूमुलेट नहीं होगा। द एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज हार्मफुल। किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना हमेशा नुकसानदेह। लाजमी नहीं है हर बार कैल्शियम और वाइटामिन आपको आपको तगड़ा किए, आपकी बोन को जो है वो ताकतवर बनाए, ठीक है। ये अगर आप एक्टिविटी कोई नहीं करते और मुसलसल कैल्शियम और इनकी सप्लीमेंट्स लेते जा रहे हैं तो यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर वीकर, ठीक है। दे बिकम मोर प्रोन टू इंजरी। बहरहाल एडल्ट बोन डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो सर्कमफरेंशियल ग्रोथ है इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरी है ऑस्टियोक्लास्ट। इसका मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा। ऑस्टियो हमेशा बोन, ठीक है, ये तो क्लियर है। जो बोन के सेल्स होते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट को याद करने का तरीका यह है, ऑस्टियोब्लास्ट कुछ बोन के सेल्स को बनाते हैं और कुछ बोन के कैविटी, सी फॉर कैविटी और ऑस्टियोक्लास्ट में सी आता है। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ना वो बोन्स में जो कैविटीज मौजूद होती हैं बेसिकली उनको बनाते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट दे आर द स्पेशलाइज्ड बोन सेल जो कि नवे बोन टिश्यू बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हेयर लाइन फ्रैक्चर ना भी हो, बोन ने ग्रोथ करना है, नवे बोन सेल बनाने होते हैं ना, तो आपके ऑस्टियोब्लास्ट काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि दोनों बोन ट्रेबिकुलर और स्पंजी में पोर्स होते हैं, तो इनके इनको इनकी जो कैविटीज़ हैं इनको भी तो बनाना है ना, तो इनकी कैविटीज़ को कौन बनाता है? ऑस्टियोक्लास्ट। तो सी फॉर क्लास्ट, सी फॉर कैविटीज, ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि जितने भी टिश्यूज़ जो मिसाल के तौर पे कैल्शियम है उनको एब्जॉर्ब करके वहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं बेसिकली। अब हम आते हैं एडल्ट बोन डेवलपमेंट, ठीक है। एडल्ट बोन डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया एज के साथ साथ जो है चीज़ बोन जो है ग्रो करती हुई जाती है ना। देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द कोलेजन एंड इंक्रीज इन द बोन ब्रिटलनेस। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द कोलेजन एंड इंक्रीज इन बोन ब्रिटलनेस विथ एजिंग। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं अगर कोई एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं। वैसे भी उम्र के बढ़ने के साथ साथ कोलेजन का भी लॉस होता जा रहा होता है, क्योंकि कोलेजन कैल्शियम फॉस्फेट कार्बोनेट यही स्टिफनेस देते हैं आपकी बोन को, तो वो क्या करते हैं वो वीक होती जाती है। और ब्रिटलनेस मतलब ईजी टू ब्रेक। मिसाल के तौर पे जब किसी हम प्लास्टिक या किसी चीज़ को तोड़ते हैं ना, तो जो ट्रक की आवाज़ आती है दैट इंडिकेट द ब्रिटलनेस बेसिकली, ठीक है, जो बिल्कुल चकनाचूर टाइप हो जाए, जिस तरह गिलास है, ठीक है। तो एज के साथ साथ ये चीज़ें कमज़ोर होती जाती हैं, तो अगर वो कमज़ोर होती जाएंगी दे आर ईजी टू ब्रेक, जिसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं, ठीक है। बोन मिनरल जो नॉर्मली एक्यूमुलेट होते हैं थ्रू आउट द चाइल्ड हुड एडोलेंस, जैसे कि मैंने बताया एट द एज ऑफ पीक 25 to 28, 25 से 28 साल जो एडल्ट की एज है वहाँ तक भी बोन में मिनरलाइजेशन जो एक्यूमुलेशन है वो होती रहती है, जिसमें मेल की अलग है फीमेल की अलग है। मेल में 30 से 35 तक भी है और फीमेल में उससे कम है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 0.5 से लेके 1.0 बोन मास इज लॉस्ट ईच ईयर। हर साल इतना जो 0.5 से लेके 1% जो बोन मास है वो लॉस होता रहता है, जिसका रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एज के साथ साथ जो है कोलेजन भी कम होते जाते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसीलिए, ठीक है। जिस तरह फीमेल में आफ्टर द 50 एज, आफ्टर द मीनोपॉज 50 की एज के बाद जो है ये चीज़ें, इसीलिए द फीमेल जो है दे आर मोर प्रोन टू द ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। बोन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब भी किसी बोन के ऊपर स्ट्रेस आता है, मतलब लोड आता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, ठीक है, तो वो उसको रेस्पॉन्ड किस तरह करते हैं उसको हम चीज़ में, तो यहाँ पे एक लॉ है वॉल्फ्स लॉ, ठीक है। वॉल्फ्स लॉ ये इंडिकेट करता है कि जो बोन की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, डिपेंड करता है फंक्शनल फोर्स के ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब भी आप किसी एक ऐसी बोन है जिसके ऊपर आप कोई वेट नहीं दे रहे, तो क्या वो अच्छी ग्रो करेगी? नहीं, ठीक है, वो वीक होगी। लेकिन अगर बोन, तो वो डिपेंड करता है आप उसके ऊपर कितना, तो ये लॉ इंडिकेट करता है वॉल्फ्स लॉ को। तो वॉल्फ्स लॉ ये इंडिकेट करता है कि कोई बोन
कितनी वीक है कितनी स्ट्रोंगर है डिपेंड करता है उनके ऊपर फोर्सेस का, ठीक है। इफ़ वी टेक वाइटामिन कैल्शियम विथ एक्सरसाइज फिर भी वीक होंगी बोन, नहीं नॉट एट ऑल, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। इसरा इफ़ वी इसरा का क्वेश्चन है कि इफ़ वी टेक द वाइटामिन कैल्शियम विथ एक्सरसाइज नहीं फिर वीक नहीं होंगी, क्यों? उसका रीज़न मैं देता हूँ। अगर सिर्फ हम वाइटामिन ले रहे हैं और कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे तो वो किधर जाएंगे? वो जो कैल्शियम अंदर डिपोजिशन है, एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा मैं, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद अगर हम वॉक नहीं करते तो वो खाना 100% डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है हर मील के बाद, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद आपने कम से कम 500 स्टेप्स लेने, जस्ट बिकॉज क्यों, जो अंदर अंदर खाना गया है जहाँ जहाँ बॉडी को दरकार है, नीड है, जब आप वॉक करेंगे तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ वेट में गेन करोगे, फिटनेस में आप गेन नहीं कर पाओगे। उसी तरह अगर हम मुसलसल वाइटामिन और कैल्शियम लिए जा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो वाइटामिन कैल्शियम जमा होते जाएंगे बोन में और वो बोन को मजीद वीक कर देंगे। लेकिन अगर हम जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिस तरह ऑस्टियोक्लास्ट जो पोर्स बनाएंगे वो उसको एक्यूमुलेट करेंगे, उसको रिजॉर्व करेंगे, द बोन विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। सर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस को कैसे कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल हिबा, ये क्वेश्चन भी आपका इसी चैप्टर के एंड में जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है, वहाँ यही है जब हम ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ेंगे। तो बोन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग हमारे पास, वॉल्फ्सला क्लियर है बेटा? वॉल्फ्सला आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है। वॉल्फ्सला ये कहता है कि बोन की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करती है, वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिपेंड करता है आप उसके ऊपर कितना फोर्स देते हो। एक बोन है जिसको आप कभी एक्सरसाइज नहीं कराते, क्या वो स्ट्रॉन्गर होगी? कभी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन एक बोन है जिसके आप मुसलसल, जिस तरह बॉडी बिल्डर्स हैं लिफ्टिंग वगैरह करते तो उनकी बोन ज़्यादा वी, ये वॉल्फ्सला है, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। उसके बाद है बोन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वॉल्फ्सला द डेंसिटी एंड मच लेसर एक्सटेंड, ये वही चीज़ जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। रीमॉडलिंग इन्वॉल्व द रिजॉर्प्शन ऑफ द फटिंग डिमांड ओल्डर बोन एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन, ठीक है। रीमॉडलिंग में क्या होता है कि रिजॉर्प्शन होती है, मिसाल के तौर पे जैसे ही एज के साथ साथ चीज़ें बढ़ती जाती हैं बोन मॉडलिंग एंड, सर वॉल्फ्सला क्लियर नहीं हुआ बेटा। वॉल्फ्सला ये है कि वॉल्फ्सला ये कहता है कि जो बोन की स्ट्रेंथ है बेसिकली वो डिपेंड करती है उस बोन के ऊपर कितनी आपने, इन शॉर्ट वॉल्फ्सला ये इंडिकेट करता है कि किसी कोई बोन वीक है स्ट्रोंगर है डिपेंड करता है उसके ऊपर आपने काम कितना किया है। अगर एक बोन के ऊपर आप जो है उसके अकॉर्डिंगली, उसकी ताकत के अकॉर्डिंगली उसको आप रेजिस्टेंस देते हो, आप उसको डाइट देते हो तो वो बोन ज़्यादा स्ट्रोंगर होगी। एक बोन है जिससे आप कोई काम नहीं लेते, ठीक है, और बिल्कुल बैठे रहते हो, वो बोन काम नहीं कर रही तो वो बोन कभी ग्रो नहीं करेगी, कभी स्ट्रोंगर नहीं होगी। जिस तरह अभी अभी इसरा का जो क्वेश्चन था कि इफ़ यू टेक द वाइटामिन एंड कैल्शियम विद द एक्सरसाइज, ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वो बोन वीक होगी, दिस इज़ द वॉल्फ्सला, ठीक है। सर वॉल्फ्सला ये कहता है कि बोन में एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है वरना, डेफिनेटली वही बात हुईगी ना, जब आप एक्टिविटी करोगे एक्सरसाइज करोगे तो बोन तगड़ी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे एक्टिविटी नहीं करोगे तो बोन जो है वो वीक होगी, ठीक है, दिस इज द वॉल्फ्सला बेसिकली। अच्छा बोन मॉडलिंग और रीमॉडलिंग दो टर्म्स है यहाँ पे मैं बताता चलूँ। मॉडलिंग ये है जब भी चोट लगती है मिसाल के तौर पे और वहाँ पे न्यू बोन जो सेल है जो जिसको बनता है तो वो बोन, द बोन मॉडलिंग इज द टर्म दैट इज गिवन अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बोन। न्यू बोन मतलब नवी बोन नहीं बन जाएगी कि एक बोन गायब होगी उसकी जगह पे दूसरी आ गई, मतलब उनके जो सेल्स हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं उन्होंने दूसरे बोन, मिसाल के तौर पर हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ तो बोन हील भी तो होती है ना, बोन हील भी तो होती है, तो जब बोन हील होगी जो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन टिश्यूज इज बेसिकली अ मॉडलिंग बट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द रिजॉर्प्शन। एंड अगर ये यही फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन टिश्यू रिजॉर्प्शन से प्रोवाइड हो तो वो रीमॉडलिंग है, क्लियर है। ये दो बेसिक इसमें टर्म्स थे, इसमें कोई खास नहीं है। इसी तरह बोन हाइपरट्रॉफी भी होती है, एट्रॉफी, कुछ बोन गेन करती हैं और कुछ मास जो है वो लॉस करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द वॉल्फ्सला। मिसाल के तौर पे व्हेन अ स्ट्रेन ऑन अ बोन एक्सीड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड न्यू बोन इज लेड डाउन एट द स्ट्रेन साइड, कहने से मुराद कि एक बोन है और उसके ऊपर हद से ज़्यादा आप रेजिस्टिव लोड उस पर दिए जा रहे हो तो वो बोन
नॉर्मल बोन ग्रोथ से ज्यादा ग्रो करेगी। और यही वॉल फ्लॉ है कि कितना जितना भी बोन के ऊपर आप काम करोगे वो उतनी ही ताकतवर होगी, वो उतनी ही अच्छी ग्रो करेगी और वो उतनी ही अचीव करेगी नॉर्मल से भी ज्यादा, अगर आप उसके ऊपर काम ज्यादा करते हो। मिसाल के तौर पे सिंपल सी बात है, आप जितना खाओगे उतना ही मोटापा या ओबेसिटी जो है वो बढ़ती हुई जाती है, ठीक है। यही रीजन है, यही कॉन्सेप्ट है वॉल फ्लॉ का, ठीक है। द मॉडलिंग और रीमॉडलिंग जो दोनों प्रोसेस थे दे आर डायरेक्टेड बेसिकली बाय द ऑस्टियोसाइट। व्हाट आर द ऑस्टियोसाइट? द बोन सेल, यही उनको बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है और हमने बोन, अच्छा बोन हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी दो वर्ड्स हैं। एट्रॉफी, ए किसी भी वर्ड से अगर पहले एज अ प्रिफिक्स के तौर पे यूज होता है तो वो हमेशा नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है, उसकी एब्सेंस को इंडिकेट करता है। तो बोन एट्रॉफिक तब होगी जब वॉल फ्ला के अकॉर्डिंगली हम कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं करते तो समटाइम बोन जो है वो डिप्लीशन में चली जाती है। डिप्लीशन से मतलब जैसा एज के साथ साथ बढ़ता हुआ जाना, मिसाल के तौर पर कॉलेजन का लॉस हो जाना, दिस इज द बोन एट्रॉफी बेसिकली। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, द डिक्रीज इन द बोन मास दैट इज रिजल्ट फ्रॉम द प्रीडोमिनेंस ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर बोन में दो किस्म के सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, ठीक है। अगर दोनों एक्टिविटी एक रेशियो के साथ चलती हैं तो बोन नॉर्मली ग्रो करेगी, लेकिन अगर ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम हो जाए, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाए, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ जाएगी तो बोन का जो मास है वो अल्टीमेटली लॉस की तरफ चला जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड बोन एट्रोफी। द व्हेन द बोन एट्रोफी अकर द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम कंटेंट इन द बोन डिमिनिशेस। जो कैल्शियम है वो डिमिनिशेस हो जाएगा, उसका वेट लूज हो जाएगा, अल्टीमेटली उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और इसी का उलट कर लो तो बोन हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, मतलब बोन का मास गेन करना बेसिकली। उसको भी हम पढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मतलब फॉर्मेशन। किसी भी वर्ड के आगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिस जो लगता है, सिस हमेशा फॉर्मेशन प्रोसेस को इंडिकेट, सिंथेसिस इस तरह करके, सिनेप्सिस इस तरह करके, ठीक है। उसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस, फॉर्मेशन ऑफ द पोर्स, मोर पोर रादर देन नॉर्मल इन द बोन, दे आर कॉल, ठीक है। सर हम आर्टिफिशियली बोन ग्रोथ करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, हर चीज़, इंसान ही जब आर्टिफिशियली ग्रो हो सकता है तो हर चीज़ ग्रो कर सकती है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? ये वो डिसऑर्डर है जिसमें बोन की जो मास है वो तो डिक्रीज हो जाता है, और वो क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि उसमें पोर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, पोर्स बढ़ जाए, जब पोर्स बढ़ जाएंगे तो मैंने आपको बताया था पोर्स बढ़ जाएंगे तो पोर्स किसका काम है? सी फॉर क्लास्ट, सी फॉर केवटी, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम है। ऑस्टियोक्लास्ट की जब एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी बोन की स्ट्रेंथ, बोन का मास ये सारा कम हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे ऑस्टियोपोर। तो ऑस्टियोपोरोसिस वो डिसऑर्डर जिसमें बोन्स बोन का मास डिक्रीज हो जाता है, मतलब वो एट्रोफी में चला जाता है, और उसका रीज़न ये उसमें पोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, जब पोर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ज़्यादा वीक हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑस्टियोपोरोसिस? बोन एट्रोफी इज अ प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर द एस्ट्रोनॉट्स एंड द बेड रिडन पेशेंट, बट द ऑस्टियोपोरोसिस इज मोस्टली फाउंड इन द एल्डरली इंडिविजुअल विथ स्पेशली इन द वुमन, ठीक है। उसमें क्या होता है, बोन का मास रिड्यूस हो जाता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द फ्रैक्चर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? उसके बाद एक वर्ड है लेफ्ट साइड पे, अगर आप देखोगे ऑस्टियोपीनिया, उसके बाद एक वर्ड है ऑस्टियोपीनिया, ठीक है। वॉट इज द ऑस्टियोपीनिया बेसिकली? ऑस्टियोपीनिया इज द कंडीशन ऑफ द रिड्यूस बोन मिनरल डेंसिटी दैट प्रीडिपोजेस द इंडिविजुअल टू फ्रैक्चर। जब रिड्यूस बोन जो मिनरल होते हैं उनकी डेंसिटी जो है रिड्यूस हो जाती है, मतलब बोन की जो कुव्वत है बेसिकली वो रिड्यूस हो जाती है। एक बोन जब ज़्यादा पोरस होगी मिसाल के तौर पे तो उसकी उसका जो बोन मैस है वो बोन एट्रोफी में चली जाएगी, बोन वेस्ट कम हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो ये फ्रैक्चर के लिए ज़्यादा ईजी है, वो बोन ईजी टू ब्रेक है, प्रोन टू ब्रेक है बेसिकली, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑस्टियोपीनिया, द कंडीशन ऑफ अ रिड्यूस्ड बोन मिनरल डेंसिटी। और वो क्या करती है, उसको मोर प्रोन करती है टूवर्ड फ्रैक्चर, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा क्लियर है, लेकिन हम थोड़ा सा मैं इसको फास्ट चलता हूँ। अच्छा, फीमेल एथलीट राइट, हाँ लेक्चर की तरह मैं इसमें भी यही कहूँगा कि आप सिर्फ वर्ड को ब्रेक करो। फीमेल एथलीट राइट, फीमेल खवातीन, लेडीज एथलीट, जो एथलेटिक जो मतलब जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स फीमेल्स होते हैं, स्पोर्ट्स वुमन होती हैं, ट्राइड मतलब तीन, तो ये वो कंडीशन है जो कि खवातीन में होती हैं
और जो कि एथलीट्स में होती हैं और तीन कंडीशन को मिला के बनती है, इसीलिए इसको फीमेल एथलीट ट्राई कहा जाता है। और इनमें तीन चीज़ें कौन कौन सी आ जाती हैं, सबसे पहले एम्यूरिया आ जाता है जो कि सेसेशन ऑफ द मेंसेस है, ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस है, और तीन चीज़ें इसमें जो आती है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं इसमें, द डिसऑर्डर्ड ईट लेकिंग, ठीक है, ये भी रीजन मैं बताता हूँ, एम्यूरा एंड ऑस्टियोपोरोसिस एंड द कॉम्बिनेशन दे कम टू नोज अ फीमेल एथलीट ट्राई, ठीक है। ये अक्सर जो खवातीन होती है ना जिसमें खाने की मिसाल के तौर पे वो अपनी बॉडी को लेके या वेट ज़्यादा वो वेट ना गेन करने के चक्कर में बिल्कुल चूजी हो जाती हैं, चूजी मतलब सेलेक्टिव हो जाती है खाने के मामले में ना, तो वो बाज़ मरतबा एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, डाइटिंग डजेंट मीन, लोग अक्सर कहते हैं मैं डाइटिंग कर रही हूँ, डाइटिंग डजेंट मीन टू स्टे हंग्री, आई रिपीट, डाइटिंग डजेंट मीन टू स्टे हंग्री, भूखा रहना डाइटिंग नहीं है, डाइटिंग का मतलब हमेशा जिस वर्ड के आगे आई एन जी लगता है तो वो कंटिन्यू प्रोसेस को इंडिकेट करता है, डाइटिंग मतलब वो प्रोसेस जिसमें आप डाइट बैलेंस, जो डाइट बैलेंस डाइट है उसको आप इनटेक करो, दैट इज द डाइटिंग, डाइटिंग डजेंट मीन टू स्टे हंग्री, डाइटिंग मीन्स टू टेक एवरी मील ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर विथ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से मुराद जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, जिस जो चीज़ जितनी दरकार है, मिसाल के तौर पे कैल्शियम इतने ग्राम नीडेड है तो आप सिर्फ उतने लो, मिसाल के तौर पे प्रोटीन इतना दिन में नीडेड है, कार्बोहाइड्रेट इतने दिन में नीडेड है तो आप सिर्फ उतने लो, ठीक है। तो डाइटिंग मीन्स टू टेक बैलेंस डाइट थ्रू आउट द डे, डजेंट मीन टू स्टे हंग्री। तो कुछ खवातीन ऐसी होती हैं स्पेशली तो एथलीट, उन्होंने अपने कुछ सेलेक्टिव हो जाती है, ये नहीं खाना इससे मेरा वेट गेन हो जाएगा इस तरह करके, तो वो उसके साथ साथ मिस करती हैं कुछ मिनरल्स को भी, क्योंकि हर डाइट, हर ट्रेस एलिमेंट, हर मिनरल हमें डिफरेंट चीज़ों से मिलता है। जिसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं ना वो अक्सर डेफिनेटली ज़्यादातर वेज होते हैं ना, वेज होते हैं तो वो विटामिन बी 12 को ले करते क्योंकि वो कभी मीट नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, एग्स वगैरह नहीं खाते ना, तो वो तो यहाँ पे ये चीज़ में मैं साथ साथ बताता चलूँ कि अगर हम डाइटिंग करते हैं तो डाइटिंग डजेंट मीन कि हमने कोई चीज़ छोड़ देनी है, बिल्कुल हमने वो चीज़ खानी है लेकिन एक प्रॉपर डोज के साथ। तो ये डिसऑर्डर की ईटिंग होती है कुछ फीमेल्स में स्पेशली, तो अगर ये एथलीट्स में हो तो उनमें ये तीनों प्रॉब्लम, कौन सी, खाने की बीमारी जिसको डिसऑर्डर ईटिंग मतलब सेलेक्टिव हो जाती है, एम्यूरिया मतलब सेसेशन ऑफ द मेंसेस, ऑस्टियोपोरोसिस, जब ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं और ये एथलीट्स फीमेल में होती हैं और ये खाने के जो डिसऑर्डर, इनके दो नाम होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बल्मिया नर्वोसा, ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली। जब ये तीनों चीज़ें मिलके एक फीमेल एथलीट में होगी तो इसको हम कहेंगे फीमेल एथलीट ट्राई, आई रिपीट, सेसेशन एम्यूरिया मतलब सेसेशन ऑफ मेंसेस, ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें बल्मिया नर्वोसा या बल्मिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा कोई भी हो, और तीसरी ऑस्टियोपोरोसिस, तीनों चीज़ें मिलके फीमेल एथलीट ट्राइड बनाती हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे जो है वो कॉप किया जाए। हिबा कुरेशी, आपका क्वेश्चन था बेटा, तो ये आपका जो है आंसर है, यहाँ पे आप साइड में आप चेक करोगे, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि रेगुलर एक्सरसाइजेज हैज़ बीन शोन टू बी इफेक्टिव टू सम एक्सटेंट इन मेडिएटिंग द एज रिलेटेड बोन, एक तो एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस इज नेदर अ डिजीज विद एक्यूट और ऑनसेट सिम्टम, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन मतलब अगर ऑस्टियोपोरोसिस है और उसकी अर्ली डिटेक्शन हो तो वो प्रिवेंटेबल है, तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ द लो मिनरल मतलब हम वक्त के साथ साथ बोन टिश्यूज़ की जो है वो बोन टिश्यूज़ का टेस्ट भी करवाएं कि इसका बोन मैस कितना है, इसकी बोन डेंसिटी कितनी है, ये चीज़ें उनमें हमने देखनी है। हमने एक्सरसाइज की तरफ जाना है, ठीक है, उसमें ये देखना है कि लॉस ऑफ द ट्रेबिकुलर बोन हो रहा है नहीं, तो कहने से बोला एक प्रॉपर असेसमेंट और रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, वेट बियरिंग एक्टिविटीज, जॉगिंग, वॉकिंग, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, दीज ऑल कंबाइनली कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, कैन प्रिवेंट, दैट्स व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लियर है बेटा हिबा? और फाइनली ये प्रिवेंशन थी, और ट्रीटिंग जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो हम जो है ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है जिस चीज़ की बोन मिनरलाइजेशन को बढ़ाता है हमने वो सप्लीमेंट्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं इस तरह करके, ठीक है। अब मैं आपके लास्ट क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ, और कॉमन बोन इंजरीज की तरफ हम नहीं जा रहे बिल्कुल। फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर की डेफिनेशन ही यही है कि जो बोन की कंटिन्यूटी है जब उसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन आती है तो वो फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है।
हम क्लिनिकल इंजरीज की तरफ हम नहीं जा रहे, ठीक है। चले जी, लास्ट जो हिबा ने कहा था कि लीवर एंड इट्स टाइप्स के ऊपर, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो बताता चलता हूँ, ठीक है, कि व्हाट आर द लीवर्स एंड द टाइप्स ऑफ द लीवर, और बॉडी में भी मैं कोशिश करके उसका एग्जाम्पल दूंगा। मेरी इसके ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है, लेकिन बस ये अगर हमारे पास 2 मिनट हैं तो मैं जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, और तब तक मैं लीवर को जो है वो आंसर कर लूँ, ठीक है बेटा। लीवर की डेफिनेशन क्लियर है। अब एक फार्मूला है जो कि मैंने उस वीडियो में बनाया, आप काइंडली वो फार्मूला भी देख सकते हैं, और मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ वो फार्मूला क्या है। एफ आर ई आप याद रखिएगा, ठीक है। लीवर की डेफिनेशन आपको क्लियर है, लीवर की 3 चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। अब आपने ये चीज़ साथ याद रखनी है कि जो एफ आर ई का फार्मूला, एफ आर ई, ये 3 स्टेजेस हैं, 3 ऑर्डर लीवर के स्टेज हैं, उनको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कहा जाता है ना, वो क्लासेस नहीं है बेसिकली, उसे ऑर्डर कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। तो आप फार्मूला याद रखें एफ आर ई का। एफ मतलब फलक्रम, आर मतलब रेजिस्टेंस, ई मतलब इफर्ट, जो कि 3 कंपोनेंट्स है किसी भी लीवर के। एफ आर ई मतलब फर्स्ट ऑर्डर लीवर में एफ बीच में आएगा, ठीक है, एक तरफ आर होगा, एक तरफ ई होगा। एफ के बाद क्या है, एफ आर ई, उसके बाद आएगा आर, आर उसके बाद आर आएगा, आर मतलब रेजिस्टेंस, मतलब सेकंड ऑर्डर लीवर में रेजिस्टेंस बीच में आएगा, एक तरफ फलक्रम होगा, एक तरफ इफर्ट होगा। उसके बाद है ई, ई मतलब इफर्ट, मतलब थर्ड ऑर्डर लीवर में इफर्ट बीच में आएगा। ये मैं निमोनिक रिपीट करता हूँ, ये फार्मूला मैं बताता हूँ, एफ आर ई, ये लीवर जो स्टेजेस ऑफ लीवर है उनका फार्मूला है बेसिकली, एफ आर ई। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में एफ बीच में आएगा, बाकी 2 चीज़ें साइड में आएंगी, सेकंड ऑर्डर लीवर में आर बीच में आएगा, थर्ड ऑर्डर लीवर में ई बीच में आएगा, क्लियर है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या बीच में आएगा, फलक्रम, ठीक है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक तरफ इफर्ट होगा और एक तरफ हमारे पास वेट होगा, ठीक है। कोई भी इसका एग्जाम्पल ले लो, हम उसको मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें स्कल की, स्कल में अगर आप देखोगे तो स्कल का जो वेट है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद स्कल की जो नोडिंग मूवमेंट होती है, यस एंड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन वाली है, यस एंड नो वाली, वो किस पे होती है, एटलांटो ऑक्सीपिटल या एटलांटो एक्सल, जो भी जॉइंट ले लो, C01 या C12 ले लो भले आप, ठीक है। तो वो पहले ऊपर वेट है, फिर उसके नीचे फलक्रम है, जो मूवमेंट कॉज कराते हैं वो उसके बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है। अगर आप एवरेज बिल्कुल देखो, तरतीब देखो, उसकी सीक्वेंस देखो, तो फलक्रम बीच में आ रहा है, ठीक है। तो जब फलक्रम बीच में आएगा, एक तरफ इफर्ट है, एक तरफ रेजिस्टेंस है, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। सेकंड में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका बीच में आता है, जो आपका लोड है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है टिप टो, जब हम टो वॉकिंग करते हैं ना, टो वॉकिंग करेंगे जब हम अपने जो थंब का जो जॉइंट है, टो जॉइंट है, उस पर जब हम खड़े होते हैं, तो खड़े हम किस पे हो रहे हैं, टो, तो एक तरफ आ गया टो का जॉइंट, तो फलक्रम एक तरफ हो गया, उसके बिल्कुल थोड़ा सा आप पीछे आ जाओ तो पूरी बॉडी का वेट उस जो आर्चेस हैं उस पे रिलाई कर रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर। अब जब हम टो पे खड़े होते हैं, मूवमेंट कौन सी हो रही है, बेसिकली प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शर्स कौन से, हमारे पास काफ मसल, तो काफ मसल कहाँ चले गए, पीछे, ठीक है। आई रिपीट, सबसे पहले फलक्रम आया, उसके बिल्कुल बाद में, उसके बिल्कुल पीछे क्या था, आर्चेस थे, और वो क्या है, आर्चेस बेसिकली उसके ऊपर पूरा बॉडी वेट है, तो वो लोड है, और उसके पीछे अगर आ जाओ तो काफ मसल्स हमारे लगे हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं ना, पोस्टीरियर लोअर लेग के मसल्स हैं काफ मसल, जो कि प्लांटर फ्लेक्शन, जब हमने टो पे वॉक करनी है तो हमने प्लांटर फ्लेक्शन बेसिकली करनी है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेकंड ऑर्डर लीवर। फाइनली इज द थर्ड ऑर्डर लीवर। थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, इफर्ट बीच में आता है, एफ आर ई वाला फार्मूला, इफर्ट बीच में आता है, एक तरफ फलक्रम होगा, एक तरफ वेट होगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल एल्बो है, जो बाइसेप है आपका, बाइसेप जो इंसर्टेड है वो कहाँ पे इंसर्टेड है, अब मिसाल के तौर पे बाइसेप की बात करो तो एल्बो की जो फ्लेक्शन है, तो 3 फ्लेक्सर है, हम सिर्फ बाइसेप के फोकस करते हैं, तो जो एल्बो की फ्लेक्शन है वो किस पे हो रही है, फलक्रम पे, तो सबसे पहले आ गए फलक्रम, मतलब एल्बो ज्वाइंट इज बेसिकली ये फलक्रम एज है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो एल्बो ज्वाइंट से थोड़ा आगे बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी है, बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी जिसको रेडियल ट्यूबरोसिटी कहा जाता है, जहां पे उसको बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी इसीलिए कहा जाता है, वहां पे बाइसेप इंसर्टेड है, मतलब पहले फलक्रम है, उसके बाद बाइसेपिटल ट्यूबरोसिटी है, मतलब उस पर बाइसेप है, बाइसेप क्या है, मसल, मसल मतलब फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये आपका आ गया इफर्ट। उसके बाद क्या है, आपकी पूरी बोन का वेट है, रेडियस एल अल्ना का पूरा वेट है, तो पहले फलक्रम है,
फिर इफर्ट आर्म है और उसके बाद जो है वेट है. दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड ऑर्डर लीवर इन इन ह्यूमन बॉडी. होप सो हिबा बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर है. थैंक यू सो मच. अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो 3 से 4 बजे है. 3 से 4 जो है वो डॉक्टर निदा इज गोइंग टू बी लाइव ऑन फॉर द फर्स्ट ईयर डीपीटी स्टूडेंट एंड टॉपिक वुड बी द काइनेसियोलॉजी टॉपिक्स एंड फिजियोलॉजी टॉपिक्स. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. मुझे इजाजत दीजिएगा और मेरा फिर दूसरा सेशन है डॉक्टर निदा के सेशन के बाद प्रॉबेबली 4:30 से 5:30 वो है मेरा शाटिका और उसके मैनेजमेंट के ऊपर. तो उस पर तो किसी भी ईयर का स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन कर सकता है. तो थैंक यू सो मच फॉर इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो काइंडली जो है वो आप वीडियो को भी लाइक करें और जो अपने कमेंट्स और सजेशंस हैं वो आप जो है वो हमारे जो CMT का ऑफिशियल पेज है वहाँ से अपडेट करें. और ये बेसिकली CMT टीम की प्रमोशन है. तो थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मेलन थेरेपी. आप अपने फेलोज के साथ शेयर करें और जो हमारे जो नेक्स्ट इस हफ्ते प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसकी भी अनाउंसमेंट CMT के ऑफिशियल फेसबुक पेज से होगी. ठीक है, यस, लोअर बैक पेन पे ही मैं बता रहा हूँ. जो शाटिका है उसमें मैं थोड़ा सा लोअर बैक पे बात कर लूँगा. तो जो मेरा सेशन है 4:30 से 5:30 वाला आज ही है इसी चैनल से, तो आप उस पर जो है हिबा अटेंड उसको अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं 3 हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स इस हफ्ते आ रहे हैं उसकी अनाउंसमेंट मैं साथ साथ जो है वो कर दूंगा CMT के ऑफिशियल पेज से. तो थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मेलन थेरेपी. अगर उसके अलावा कोई भी टॉपिक आप लोगों को दिक्कत है, किसी भी ईयर से आप बिलोंग करते हो, CMT इज बेसिकली फॉर द फिजियोथेरेपी फील्ड एंड फॉर द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स. अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप सिंपल क्या करें, एक ग्रुप बनाएं, CMT का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें. CMT के 5 व्हाट्सएप के ग्रुप हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक. आप अपने DPT ईयर के अकॉर्डिंगली उस ग्रुप को ज्वाइन करें. अगर आप फीमेल हैं तो डॉक्टर निदा, शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट CMT, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें. मेल अगर डायरेक्टली आप CMT पेज पे भी इनबॉक्स कर देते हैं तो मैं आपको या जो हमारा मीडिया कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर मिनाइल वो आपको ऐड कर देंगी उसमें. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. मुझे इजाज़त दीजिएगा. विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. देयर आर 2 सेशन रिमेनिंग. After me is the Dr. Nida and after Dr. Nida I will be live at the 4:30. Thank you so much. Keep watching Center of Mental Therapy. Kindly like the video and share with your friends. Take care. Stay home. Stay safe.